हे गाइस, वेलकम ऑन वाईफाई स्टडी स्टूडियोज, अ पार्ट ऑफ फन एकेडमी। मैं संदीप केशरवानी आप सभी की डिमांड पे लेकर आया हूं आप सभी का फेवरेट शो दैट इज सिनोनिम्स। बहुत टाइम से बच्चों की डिमांड थी कि सर सिनोनिम्स भी स्टार्ट कीजिए, सिनोनिम्स भी स्टार्ट कीजिए। तो एक वीक के लिए आप सभी की डिमांड पर इस पर्टिकुलर शो को डिजाइन किया गया है, जिसमें इस पूरे के पूरे वीक आपको हर रोज सुबह के 8:45 सिनोनिम्स की क्लास मिला करेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे सिनोनिम्स पार्ट पे, यहाँ सबसे पहले जो आपके सामने यहाँ पे स्लाइड आ चुकी है, यहाँ पे 10 वर्ड्स, टॉप 10 वर्ड्स आपके सामने स्क्रीन पर हैं, जिसके सिनोनिम्स हम लोग यहाँ पर देखेंगे। सबसे पहला वर्ड है जिनकी मीनिंग आप देखते चलिएगा, एक एक वर्ड के बारे में हम समझेंगे। तो पहला वर्ड है, दिस इज शिज्म। शिज्म की हिंदी मीनिंग होती है फूट या विच्छेद, अलग या अलग करना। उसके सिनोनिम्स हैं आपके लिए डिविजन, स्प्लिट, डिसएग्रीमेंट एंड ब्रेक। ये चार ऑप्शन यहाँ पर एज अ सिनोनिम निकल के सामने आते हैं। वहीं सेकंड वर्ड है ट्रूइज्म, जिसकी मीनिंग होती है स्वयं सिद्ध। इसके सिनोनिम्स हैं मैक्सिम, एक्सियम एंड सेइंग के साथ क्लिच। ये आपके लिए आप चार सिनोनिम्स निकल के आते हैं ट्रूइज्म के लिए। नेक्स्ट वर्ड वी हैव दिस इज वर्टेब्रेट। सो वर्टेब्रेट क्या मीनिंग होता है, मेरुदंडी प्राणी, जिसके सिनोनिम्स हैं बींग, मैमल, एनिमल एंड क्रिएचर। वहीं नेक्स्ट वर्ड वी हैव दिस इज एक्वेस, जिसका हिंदी मीनिंग जलीय होता है। इसके सिनोनिम्स हैं कंटेनिंग वाटर या लाइक वाटर। नेक्स्ट वर्ड वी हैव दिस इज कॉन्ट्यूमली, जिसके हिंदी मीनिंग होती है निंदा या अपमान। इसके सिनोनिम्स हैं अबोरेंस, डिसऑनर एंड हेट। नेक्स्ट वर्ड वी हैव दिस इज डिफेम, जिसका मतलब होता है बदनाम करना। इसके सिनोनिम्स हैं इंसल्ट, ऑफेंड, स्लैंडर एंड क्रिटिसाइज। अगला वर्ड आपके लिए है एम्ब्रॉयल्ड, जिसके हिंदी मीनिंग होती है अंतर्ग्रस्त। तो इसके सिनोनिम्स हैं इनवॉल्व्ड, कंफ्यूज्ड एंड इंटेंगल्ड। अगला वर्ड है एक्ज्यूड। एक्ज्यूड की मीनिंग होती है टपकना या चुआना। इसके सिनोनिम्स हैं डिस्प्ले, ओज, रेडिएट एंड इमैनेट। नेक्स्ट वी हैव दिस इज फॉर्ट्यूटस, जिसके मीनिंग होती है आकस्मिक। इसके सिनोनिम्स हैं अनएक्सपेक्टेड, चांस एंड एक्सीडेंटल। एंड लास्ट वर्ड वी हैव दिस इज एग्नियस, जिसकी मीनिंग होती है लावा या चट्टान, लावा चट्टान। इसके सिनोनिम हैं, इसकी जो मीनिंग है वो है रॉक्स फॉर्म्ड फ्रॉम लावा। तो गाइज आपने देखा यहाँ पर किस तरीके से ये टोटल 10 वर्ड्स जिनके सिनोनिम्स हमने आपके लिए यहाँ पे प्रेजेंट किए। एटलीस्ट एक वर्ड में यहाँ पर उसके कम से कम 3 सिनोनिम तो है ही, कुछ के 4-4 भी सिनोनिम्स है, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर 4-4 सिनोनिम्स है। तो ये सिंगल स्लाइड आपको टोटल अगर हम देखें तो यहाँ पर अराउंड 40 से लेकर 45 वर्ड्स तक लर्न कराता है इस नन्हे से सेशन में। आपका कम से कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा कंटेंट आपको मिलता है इस पर्टिकुलर सेशन में, जो कि आपने यहाँ पर देखा। अब चलते हैं यहाँ पर गाइस। तो आपको ये पर्टिकुलर सेशन कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। मेरे कुछ अपकमिंग शोज आने वाले हैं अन अकेडमी प्लस पे, उसके लिए आप सभी यूज़ करेंगे वाईफाई चैम्प कोड। इस कोड को यूज़ करके आपको हैव ए डिस्काउंट भी मिलेगा, और साथ ही साथ आपको एक कंप्लीट कोर्स एंड कंप्लीट पैकेज, कंप्लीट टॉपिक्स की प्रैक्टिस भी कराई जाएगी। तो आपको ये कोड याद कर लीजिए, वाईफाई चैम्प। आपको अगर वाईफाई के किसी भी कोर्स को परचेज करना है तो आप ये चैम्प का कोड ज़रूर यूज़ कर। मेरे साथ आप इन डिफरेंट सोशल साइट्स पे जुड़ सकते हैं, टेलीग्राम, फेसबुक एंड इंस्टाग्राम। ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इन पर कनेक्ट होकर आप मुझसे सवाल पूछ सकते हैं। इस सेशन में केवल इतना ही। पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ये सारी चीज़ें आप ज़रूर कीजिएगा। और अगर आपको जैसा भी लगा कमेंट के माध्यम से हमें बताइए, इस प्रकार के सेशंस आप कितने चाहते हैं और कितने वर्ड्स मैं आपसे डिस्कस करूँ। अभी के लिए केवल इतना ही। थैंक यू सो मच।